हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को बताए थे जो कि ट्रैफिक की डिज़ाइन में यूज होते हैं। तो अब हम इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ट्रैफिक की डिज़ाइन कैसे करते हैं। कि ट्रैफिक का डिज़ाइन का मतलब ही है क्या है कि ट्रैफिक के जो साइकिल लेंथ होता है, ग्रीन टाइम होता है, रेड टाइम होता है। अब हमें इसके बारे में बात करना है कि इसकी डिजाइनिंग कैसे कर दी जाती है और कितना टाइम हम किस टाइम को देंगे, जैसे ग्रीन टाइम के लिए कितना टाइम असाइन करेंगे, ये बात अब हम करते हैं। तो इसके लिए जो है कुछ मेथड्स हैं जो कि हम बताएंगे कि कौन कौन से मेथड से हम ट्रैफिक सिग्नल की डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल्स। तो सिग्नल का डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है? देखिए, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे मान लीजिए कि कोई दो रोड हैं जो कि किसी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में मिल रहे हैं, वहाँ पे अगर हमें ट्रैफिक को सेफली मूव कराना है, तो जैसे मैंने बोला कि देखिए ये रोड ए है और ये रोड बी है, तो रोड ए से अगर हमें इस ट्रैफिक को सेफली इस इंटरसेक्शन से मूव कराना है और जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो पाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिस टाइम पे हमारे रोड ए पे ग्रीन सिग्नल या एम्बर सिग्नल होगा, उस टाइम पे सेम रोड बी पे क्या होगा, वहाँ पे रेड सिग्नल होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम बी की बात करें, रोड बी की बात करें, रोड बी पे हमें सेफली मूव कराना है, तो उस केस में रोड बी पे या तो ग्रीन सिग्नल या एम्बर सिग्नल होगा, वहीं रोड पे क्या होगा, रोड ए पे क्या होगा, रोड ए पे हमारा रेड सिग्नल होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने पहले ही बता चुके हैं कि इसको देखिए रेड टाइम, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रेड टाइम जो होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू होगा, अगर हम रोड ए की बात करें तो रोड ए पे जो रेड टाइम होगा वो इक्वल टू होगा रोड बी के ग्रीन सिग्नल टाइम के और एम्बर टाइम के। ठीक उसी तरीके से रोड बी के लिए जो रेड टाइम होगा वो होगा इक्वल टू ग्रीन टाइम ऑफ रोड ए प्लस एम्बर टाइम ऑफ रोड ए। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आई? तो देखिए, ग्रीन टाइम का जो कैलकुलेशन होता है उसका कैलकुलेशन का बेसिस होता है कि कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल्स किसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल्स क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। अभी देखिए हम कैलकुलेट करते हैं कि एम्बर टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एम्बर टाइम को कैलकुलेट करने के लिए दो एम्पिरिकल फार्मूले दिए हुए हैं। उन दोनों एम्पिरिकल फार्मूलों से जो मैक्सिमम टाइम आएगा उसी को हम एज ए एम्बर टाइम, डिजाइन एम्बर टाइम के रूप में ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एम्पिरिकल फार्मूला ये है कि जैसे हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, देखिए एक बार फिर से फिगर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कि हमने ये फिगर में दिखाया हुआ है कि देखिए ये एक रोड ए है, ये रोड बी है, और यहाँ पे हमने दिखाया है कि रोड ए पे SSD कर्व लाइन से ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दिखाया है, और ये दिखाया है कि विड्थ ऑफ रोड बी है। उसी तरीके से अगर इस रोड की बात करें तो विड्थ ऑफ रोड ए होगी। यहाँ पे हमने एक व्हीकल दिखाया है जिसकी लेंथ दिखाई है L। ठीक है, तो अब आ गया ये, देखिए ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा कि हमने यहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दिखाई है, साथ में विड्थ ऑफ रोड दिखाया है और लेंथ ऑफ व्हीकल दिखाया है। तो अब देखिए जो एम्पिरिकल फार्मूला है, पहला एम्पिरिकल फार्मूला बताता है कि जो एम्बर टाइम जो लेते हैं वो अगर हमारा व्हीकल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अंदर है, इंटरसेक्शन से किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट से स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अंदर है, तो उस केस में जो एम्बर टाइम कैलकुलेट करते हैं वो होता है इक्वल टू SSD प्लस विड्थ ऑफ अनदर रोड। जैसे अगर हम रोड ए की बात करें तो रोड ए के लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ रोड बी प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल डिवाइड बाय स्पीड ऑफ दैट व्हीकल। तो इस तरीके से हम एम्बर टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारा जो व्हीकल है वो इंटरसेक्शन पॉइंट से SSD के अंदर हो। ठीक, अब दूसरा, अगर हमारा व्हीकल जो है बियॉन्ड दी SSD फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट से बियॉन्ड हो, तो उस केस में हम एम्बर टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वल टू रिएक्शन टाइम प्लस ब्रेकिंग टाइम। देखिए, तो रिएक्शन टाइम TR, रिएक्शन टाइम ऑफ व्हीकल क्वेश्चन में दिया होता है,
या तो आप ज़ूम कर सकते हैं 2 सेकेंड, नॉर्मली 0.5 से 2 सेकेंड या 2.5 सेकेंड तक लेते हैं। प्लस ब्रेकिंग टाइम, ब्रेकिंग टाइम को हम निकाल सकते हैं इक्वल टू यू स्पीड डिवाइड बाय एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एम्बर टाइम कॉस्ट हो जाता है रिएक्शन टाइम प्लस ब्रेकिंग टाइम इक्वल टू टी आर प्लस यू बाई ए, वेयर यू क्या है स्पीड ऑफ व्हीकल है, ए है रिटार्डेशन, टी आर क्या है रिएक्शन टाइम। तो इस तरीके से हम एक इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे एम्बर टाइम और दूसरा इस फॉर्मूले से निकालेंगे एम्बर टाइम। इन दोनों में से जो मैक्सिमम टाइम होगा उसको हम डिजाइन एम्बर टाइम के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी पे एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं कि एक ड्राइवर है, अ ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h वाज साइटेड क्रॉसिंग एन इंटरसेक्शन, ही क्लेम्ड दैट ड्यूरेशन ऑफ एम्बर डिस्प्ले वाज इम्प्रॉपर एंड कंसिक्वेंटली अ डिलेमा जोन एग्जिस्ट, यूजिंग फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन वेदर ड्राइवर क्लेम वाज करेक्ट और नॉट। तो क्वेश्चन ये है कि एक व्हीकल है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे गया और उसने जो है एम्बर सिग्नल उसको दिखा, तो एम्बर सिग्नल दिखने के बाद वो बोल रहा है कि हमें उस इंटरसेक्शन को क्रॉस करते वक्त हमें क्या हो गया, असहज महसूस हुआ कि हम पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो कह रहा है कि ये जो एम्बर टाइम का वहाँ पे डिजाइन किया गया है वो इनकरेक्ट है। तो अब हमें ये पता करना है कि क्या वो सही कह रहा है, उसकी बात सही है, तो इस बात को हम चेक करेंगे अपने इन प्रीवियस दोनों फार्मूलों के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए इसमें इस क्वेश्चन में कुछ डाटा दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ डेटाज वगैरह दिए हैं जो हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अभी फिलहाल में जो एम्बर टाइम है वो 4.5 सेकंड है, रिएक्शन टाइम 1.5 सेकंड है, इंटरसेक्शन का जो विड्थ है वो 15 मीटर है, रिटार्डेशन का जो रेट है वो 3 m/s² है और कार की लेंथ है 4.6 मीटर और स्पीड है आपकी व्हीकल की 80 km/h, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि जो एम्बर टाइम जो हमने अभी फ़िलहाल प्रोवाइड किया है वो कितना प्रोवाइड किया है, 4.5 सेकेंड। तो क्या ये एम्बर टाइम जो है वो सही है या ज़्यादा है या कम है, इस बात को हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए तो हमने सबसे पहले स्पीड हमारा जो दिया हुआ था 80 km/h में दिया है, तो इसको हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकेंड में, तो 80 / 3.6 कर दें तो ये आ जाएगा 22.22 m/s, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, विड्थ ऑफ रोड की ज़रूरत पड़ेगी और कार की लेंथ तो दी हुई है, स्पीड दिया ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम SSD का कैलकुलेशन करते हैं। तो SSD बराबर होता है V×T+V²/2gμ या 2gf, म्यू क्या है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, या उसको f से भी डिनोट करते हैं कहीं कहीं। तो इस चीज़ को हम f बराबर a/g से भी निकाल सकते हैं, रिटार्डेशन डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 3/9.81=0.31, या अगर आपको नहीं दिया हो कुछ डाटा तो आप इसको डायरेक्टली एज्यूम भी कर सकते हैं कितना होता है, 0.35 के आसपास होता है, उतना हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, SSD का कैलकुलेशन किया, तो SSD बराबर V×T+V²/2gf, f क्या है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 22.22 × रिएक्शन टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 सेकेंड, ठीक। V² 22.22² डिवाइड बाई 2g+f हमने यहाँ पे निकाल लिया है 0.31, तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो SSD आ गया 114.525 m, ठीक है। अब देखिए एम्बर टाइम का कैलकुलेशन करते हैं पहले मेथड से, तो यहाँ एम्बर टाइम इक्वल्स टू SSD प्लस विड्थ ऑफ इंटरसेक्शन प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल डिवाइड बाई स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक, इक्वल टू अब ये हो गया SSD 114.525 प्लस 15 विड्थ ऑफ इंटरसेक्शन प्लस 4.6 m का कार का लेंथ है डिवाइड बाय स्पीड। तो यहाँ से हमें पता चल गया एम्बर टाइम इक्वल टू आ गया 6.04 सेकेंड,
अब देखिए दूसरा मेथड जो था, दूसरा फार्मूला, तो वो क्या था, रिएक्शन टाइम प्लस ब्रेकिंग टाइम। तो रिएक्शन टाइम हमारा कितना दिया है 1.5 सेकेंड, और ब्रेकिंग टाइम कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड डिवाइड बाई एक्सेलरेशन रिटार्डेशन रेट, ठीक है। तो 1.5 प्लस 22.22 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से 8.9 सेकेंड आ गया। तो इस तरीके से जो एम्बर टाइम होगा, वो जो रिक्वायर्ड एम्बर टाइम होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा इन दोनों से, तो मैक्सिमम ऑफ 8.9 सेकेंड एंड 6.04 सेकेंड। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो एम्बर टाइम जो रिक्वायर्ड होना चाहिए था उस रोड पे उस स्पीड के लिए, वो कितना होना चाहिए, 8.9 सेकेंड होना चाहिए, जबकि हमने रोड पे कितना प्रोवाइड किया है, 4.5 सेकेंड, विच इज इनकरेक्ट। हेंस द ड्राइवर क्लेम वाज राइट, मतलब ड्राइवर जो बात कह रहा है कि उस पे एम्बर टाइम गलत डिसाइडेड है, सही प्रोवाइड नहीं किया गया है, वो सही बात कह रहा है। होना कितना चाहिए, कम से कम 8.9 सेकेंड तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका एम्बर टाइम का कैलकुलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेथड ऑफ सिग्नल डिजाइनिंग, तो सिग्नल की डिजाइन कैसे कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ मेथड हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक आप सभी के लिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा, सेमेस्टर में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो मेथड ऑफ सिग्नल डिजाइनिंग में चार तरह के मेथड होते हैं, एक होता है ट्रायल साइकिल मेथड, एक है अप्रॉक्सीमेट मेथड, वेबस्टर मेथड और IRC मेथड। इन चारों मेथड से हम क्या कर सकते हैं कि सिग्नल की डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायल साइकिल मेथड। देखिए ट्रायल साइकिल मेथड में क्या होता है कि इस मेथड में जो ग्रीन टाइम होता है, ग्रीन टाइम उसका कैलकुलेशन हम करते हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर एक्युमुलेटेड एट इंटरसेक्शन, किसी एक इंटरसेक्शन पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर में एक्युमुलेट होते हैं, इसके आधार पे हम ट्रायल साइकिल का, ठीक है। तो ट्रायल साइकिल मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो है ट्रैफिक का जो एक ट्रायल साइकिल खुद से एक ज्यूम कर लेते हैं, उस ट्रायल साइकिल को हम चेक करते हैं बाद में कि जो हमने ट्रायल साइकिल ज्यूम किया है क्या वो जो हम कैलकुलेट किए हैं उसके बराबर आ रहा है। अगर उसके बराबर आ रहा है तो जो भी कैलकुलेशन के बाद आ रहा होगा उसको हम क्या मान लेंगे, डिजाइन ट्रायल साइकिल, ठीक है। अब देखिए इसको डिजाइन करते कैसे हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर एक्युमुलेट हो रहे हैं इंटरसेक्शन पे, इसके आधार पे हम ग्रीन टाइम का डिसाइड करते हैं, ग्रीन टाइम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इसमें 15 मिनट का ट्रैफिक काउंट ले लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स उस पीक आवर फ्लो में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स उस इंटरसेक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या ले लिया, 50 मिनट्स ट्रैफिक काउंट्स ऑन रोड ए आर बी नोटेड एज एन ए एंड एन बी ड्यूरिंग द डिजाइन पीक आवर फ्लो, किसी डिजाइन पीक आवर फ्लो में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स उस 15 मिनट में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, एक सूटेबल ट्रायल साइकिल मान लिया जो कि सी सेकेंड का मान लिया एक कोई सी सेकेंड का ट्रायल साइकिल मान लिया। अब देखिए उस सी सेकेंड में अब कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे, अब ये हमें निकालना है। अभी हमने निकाला कि 15 मिनट में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे, अब हमें क्या करना है उस ट्रायल साइकिल सी सेकेंड में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं उसको पास करेंगे, अब हम ये निकालते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, मान लिया उसको हम रोड ए की बात करें एक्स ए, तो एक्स ए बराबर नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 15 मिनट डिवाइड बाई, अब हमें उसको सी सेकेंड में चेंज करना है, तो एन ए डिवाइड बाई 15 मिनट को हम सेकेंड में चेंज कर देंगे, 15 × 60 × अब सी में सी सेकेंड में, तो सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिमिलरली रोड बी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई 15 × 16 × जो हमने ट्रायल साइकिल माना है सी सेकेंड, तो इससे आ जाएंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक। वी आर एक्स एन एक्स बी आर द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग इन वन साइकिल टाइम ऑन रोड ए एंड बी, तो एक्स एन एक्स बी क्या हो गया, यहाँ से ये पता चल गया एक्स एन एक्स बी हमारी जो वैल्यू आ गई वो उस जो हमारा ट्रायल साइकिल सी है उसमें कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब हमें ग्रीन टाइम निकालना है, तो अब सबसे पहले ग्रीन टाइम निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि इसमें क्या होता है कुछ चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती है। जैसे इसमें क्या हुआ है कि मान लिया कि एक गाड़ी को
किसी एक इंटरसेक्शन को क्रॉस करने में जो टाइम हेडवे की रिक्वायरमेंट हो रही है वो 2.5 सेकंड है। ठीक है, देखिए, इफ़ द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन व्हीकल टू क्रॉस द इंटरसेक्शन इज इक्वल टू टाइम हेडवे विच इज जनरली टेकन एज 2.5 सेकंड। तो हमने क्या बोला कि किसी एक इंटरसेक्शन से व्हीकल को पार करने के लिए जो टाइम हेडवे की रिक्वायर्ड हो रही है किसी एक व्हीकल के लिए वो कितनी है 2.5 सेकंड। तो हमने पीछे बताया कि एक्स व्हीकल पार हो रहा है तो एक्स व्हीकल के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो कितना हो जाएगा टोटल, तो एक्स व्हीकल के लिए जो टोटल ग्रीन टाइम होगा वो हो जाएगा एक्स ए इंटू एच। एच की वैल्यू हमने बताया कितना लिया है 2.5 सेकेंड जो कि हमने एज्यूम किया है। ठीक है, सिमिलरली अब रोड बी के लिए बात करें तो एक्स बी इंटू एच हो जाएगा, एच की वैल्यू हम पहले ही बता चुके हैं, इसको हमने एज्यूम कर लिया कितना 2.5 सेकेंड, तो जी बी बराबर हो जाएगा 2.5 इंटू एक्स बी। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ग्रीन टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ नोट में हमने पॉइंट में लिखा है कि जनरली जो साइकिल टाइम को हम लोग एज्यूम करते हैं वो मल्टीपल ऑफ 5 के रूप में एज्यूम करते हैं, ये बस केवल जस्ट अपनी सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए 5 का मल्टीपल ही साइकिल टाइम को एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब टोटल साइकिल टाइम निकालते हैं तो टोटल साइकिल टाइम बराबर होता है ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम प्लस रेड टाइम। ठीक है, तो ए रोड के लिए बात करें तो ए रोड के लिए जो टोटल साइकिल टाइम हो जाएगा ग्रीन टाइम ऑफ ए प्लस एम्बर टाइम ऑफ ए प्लस रेड टाइम ऑफ ए। देखिए रेड टाइम ऑफ ए को हम लिख सकते हैं वो किसके बराबर, ग्रीन टाइम ऑफ बी प्लस एम्बर टाइम ऑफ बी, तो इसलिए टोटल साइकिल टाइम बराबर हो जाएगा जी ए प्लस ए ए प्लस जी बी प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने टोटल साइकिल टाइम कैलकुलेट कर लिया, अब इस जो टोटल साइकिल टाइम हमने कैलकुलेट किया है और हमने एक पहले से एज्यूम किया था साइकिल टाइम, अगर ये दोनों टाइम इक्वल आ गए तो हमने जो कैलकुलेट किया है साइकिल टाइम को उसी को हम क्या मान लेंगे डिजाइन साइकिल टाइम, अदरवाइज हमें क्या करना होगा इसको रिपीट करना होगा इस प्रोसेस को। तो ये था आपका ट्रायल साइकिल मेथड। ठीक है, अब दूसरा आता है, दूसरा जो है वो हमारा है अप्रॉक्सीमेट मेथड। तो अप्रॉक्सीमेट मेथड से हम कैसे डिजाइन टाइम को कैलकुलेट करते हैं, ग्रीन टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है अप्रॉक्सीमेट मेथड में कि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो पेडेस्ट्रियन हैं उनको किसी इंटरसेक्शन को पार करने में कितना टाइम लगता है इसके आधार पे हम अप्रॉक्सीमेटली ग्रीन टाइम क्या हो सकता है ये हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दिस मेथड साइकिल लेंथ डिपेंड्स ऑन पेडेस्ट्रियन टाइम टू क्रॉस द रोड एंड ट्रैफिक वॉल्यूम, मतलब ग्रीन साइकिल लेंथ का जो डिसाइड होता है वो पेडेस्ट्रियन को एक इंटरसेक्शन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा और साथ ही साथ ट्रैफिक की वॉल्यूम क्या होगी इसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें स्टेप्स क्या हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मान लिया हमने कि कोई एक इंटरसेक्शन है जिसका विड्थ मान लीजिए डब्ल्यू ए होगा, या ए रोड के लिए बात करें तो डब्ल्यू ए होगा, बी रोड के लिए बात करें डब्ल्यू बी होगा, तो उसका विड्थ हो गया और पेडेस्ट्रियन का जो नॉर्मल जो पैदल चलते हैं लोग उनका स्पीड मान लिया जाता है 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्लियरेंस इंटरवल होगा, क्लियरेंस इंटरवल मतलब उसको क्लियर करने में कितना इंटरवल लगेगा वो बराबर हो जाएगा विड्थ ऑफ रोड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ पेडेस्ट्रियन, तो यहाँ से क्लियरेंस इंटरवल मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद यानी जब तक ये रोड को क्या कर दिया क्लियर कर दिया उस समय तक यानी मिनिमम ग्रीन टाइम फॉर पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस रोड ए और रोड बी, रोड ए या बी को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम ग्रीन टाइम पेडेस्ट्रियन के लिए होगा जिसको हम डिनोट कर रहे हैं जी पी ए या जी पी बी इक्वल्स टू क्लियरेंस इंटरवल ऑफ